गर्मी का सीजन शुरू होते ही जनपद के विभिन्न स्थानों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पानी की आपूर्ति नहीं होने से नाराज उपभोक्ताओं ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की। नाराज उपभोक्ताओं ने कहा कि जल संस्थान उपभोक्ताओं की परेशानी को दूर करने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी की आपूर्ति नहीं होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इधर जल संस्थान के अभियंताओं ने बताया कि गर्मी शुरू होने के साथ साथ जिन स्थानों में पेयजल की आपूर्ति बाधित हुई है वहां अन्य माध्यमों से पानी देने की कोशिश की जा रही है। सर, हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा है और हम महिलाएं परेशान है पानी के बिना। तीन महीने से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी नहीं है उससे ज्यादा बिल आ रहा है। जितना पानी नहीं है 850 बिल आ रहा है। देखिए, मैं पूरे बागेश्वर जनपद के भ्रमणों में था, लेकिन लोग बाग पानी से इतना परेशान थे। लोग बाग पानी ढो ढो के थक गए हैं, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच किलोमीटर से। लेकिन जब से हर घर जल हर घर नल कहा है, तब से लोग पानी के बिना वंचित हैं। लोग बाग रोने को तक, मेरे सामने कितनी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं रोई हैं। तो उसी के लिए मैंने अधिशासी अभियंता जल संस्थान से कितने रुपये फोन में भी वार्तालाप की है और मौखिक रूप से भी कहा, लेकिन बस इनका कहना है कि भाई हमने वहाँ आदमी भेज दिया, आदमी वहाँ जा नहीं रहा है और लोग बाग पानी से वंचित हैं और बिना पानी के ये बिल दे रहे हैं। जबकि हमारा ही नाला, हमारा ही गधेरा, हमारा ही गाड़ और हमारा ही नदी, और हम ही को बिना पानी के बिल दिया थमाया जा रहा है, हमारे लोगों को थमाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अत्याचार है जल संस्थान के द्वारा। वैसे सरकार ने जल संस्थान को दबाव दिया है कि आप इनसे बिल लें, और बिना पानी का बिल किस बात का होता है? अगर ये बिल देते भी, और बिल भी इतना अधिक बढ़ा दिया है इन्होंने, जो बीपीएल परिवार के हैं लोग हैं, जो अंत्योदय परिवार के लोग हैं, वो कहाँ से इतना बड़ा बिल कहाँ से देंगे? जबकि पहले तो पानी फ्री का होना चाहिए था, बिजली बिल फ्री के होने चाहिए। बिजली हमारे वहाँ से उत्तराखंड से जो उत्पादन होता है बिजली का, और पानी हमारे स्रोतों से जाता है और हम ही को पानी का बिल दिया जा रहा है। और मेरे सरकार से भी अनुरोध है और जल संस्थान से भी अनुरोध है कि आज जल संस्थान हर गांव में एक व्यक्ति को रोजगार दे सकता है, लेकिन कहाँ रोजगार की बात, वहाँ पानी ही नहीं, पीने को नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी इतनी फैली पड़ी हुई है, लोग बाग अपने घरों में दुबके पड़े हैं, उनको पानी पीने को तक नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा अत्याचार क्या होता है? आज मैंने जल संस्थान के ऑफिस में सभी कमरों में मैंने ताला लगवा दिया है, और अगर एक हफ्ते के अंदर या दो तीन दिन के अंदर ये समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर आंदोलन अनशन करने को बाध्य रहेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।